I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आर न्यू मेकअप वीडियो। सबसे पहले मैं अप्लाई करने जा रही हूँ यहाँ पोन्स की जेल मॉइस्चराइज़र, क्योंकि ये जेल बेस है तो ऑयल बिल्कुल भी इसमें निकलता नहीं है, और क्योंकि गर्मियों के दिन है इसलिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ करने जा रही हूँ स्विस ब्यूटी का प्राइमर, जो कि हल्का सा शाइन भी देगा। तो फिलहाल जो है थोड़ा सा मैंने इसको अपने हाथ पे रख लिया और उसके बाद फिंगर टिप से इसको अप्लाई किया, और उसके बाद अच्छे से कर लिया मैंने मसाज। आप देख रहे होंगे हल्की सी शाइन आ गई। उसके बाद मैंने लिया है ये इनसाइड का फुल कवरेज फाउंडेशन, जिसको कि मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई किया। उसके बाद मैंने जो वेट वो ब्यूटी ब्लेंडर है उसकी हेल्प से अच्छे से इसको पूरे फेस पे स्प्रेड कर लिया अच्छे से टैप टैप करके। उसके बाद यहाँ इनसाइड का ही लूज पाउडर है जिससे कि मैं इसको अपने फाउंडेशन को पैक कर लूँगी, ताकि कोई भी क्रीज वगैरह ना बने। उसके बाद जो है अब यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैं इनसाइड का ही ये एक ब्लश पैलेट है, उसके अंदर से मैं शेड ले रही हूँ हल्की पिंक वाली। तो इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का तरीका आपको पता है चिक्स के ऊपर होता है, अगर आपको नहीं करना आ रहा तो आप पाउट बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैं यूज़ करने जा रही हूँ हाईलाइट, जो कि स्विस ब्यूटी का, जिसको कि मैंने मार्स का ये हाईलाइटर ब्रश है उसकी हेल्प से इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। साथ में मैं जो है अपने नोज़ की टिप्स पे भी और नोज़ के ऊपर मैं इसको अप्लाई कर लूँगी, थोड़ा सा लिप्स के ऊपर करूँगी, और अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद अब बात आती है भाई मेकअप में आई मेकअप की। तो यहाँ मैंने मार्स का ही ब्रश लिया है, उसकी हेल्प से मैंने एक ही शेड यहाँ पे अप्लाई करी है, और उसके बाद जो है पिगमेंट था ये इसके अंदर लाइट कलर का, तो वो पिगमेंट मैंने इसके अपनी आई लिप्स के ऊपर अप्लाई कर लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर आ रही है आईब्रोज फिलर करने की बारी, तो मैंने स्विस ब्यूटी का आईब्रो फिलर पैलेट लिया है, उससे अपनी आईज जो है फिल करी, आईब्रो सॉरी। उसके बाद यहाँ पे मार्स का वो है हमारे पास लाइनर, तो यहाँ मार्स के लाइनर को मैं अप्लाई कर रही हूँ। साथ में मुझे ब्रश मार्स के उसी में मिला था, लाइनर का जो बॉक्स था उसके अंदर। और अब थोड़ा सा आईब्रोज के नीचे से हाईलाइट कर रही हूँ, ताकि जो है ब्रोज थोड़ी सी हाईलाइट होकर आए। और यहाँ मैंने ये लिपस्टिक हाल ही में मंगाई थी स्विस ब्यूटी पे, जब सेल चली थी उसी से, काफ़ी प्रोडक्ट वहीं से मंगाए हुए हैं मैंने। तो यहाँ मैं अप्लाई करने जा रही हूँ हल्की हल्की, पहले हम आउटलाइन क्रिएट करेंगे, ताकि जो है जो लिपस्टिक है वो बहुत सुंदर तरीके से लग जाए। और यहाँ पे ये पिंक कलर की शेड वाली मैंने लिपस्टिक मंगाई है, क्योंकि मेरे पास थोड़ी डार्क शेड थे तो मैंने सोचा चलो कुछ हटके मंगाया जाए, तो इस बार मैंने मंगाई है पिंक कलर की लिपस्टिक। तो ऑलमोस्ट अपना मेकअप हो चुका है यहाँ पर डन। तो आपको ये मेकअप कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके भी बता देना, और फाइनल लुक अभी आ रही है आपकी, तो मुझे फाइनल लुक तो ये मैंने अभी साड़ी पहन रखी है, तो फुल लुक मैं कैसे दिखाऊँ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आगे वाले कमरे में बच्चे सोए हुए हैं, पीछे जो है इतना स्पेस नहीं है। तो लेकिन आज मैंने क्रिएट करी है कुछ डिफरेंट लुक, तो कैसे लग रही है आपको मेरी ये लुक मुझे कमेंट करके बताइएगा। पीछे मैंने बनाया है एक हेयर डू, जिसको मैं सही से कैसे दिखाऊँ समझ में नहीं आ रहा, कोशिश करती हूँ चलो आपको दिखाने की। भी ये है मेरी फाइनल लुक, आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसी लगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना।